अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम यूनिट 6 शुरू कर रहे हैं। बुक हम यूज़ कर रहे हैं ब्रायन टिटली की, जो इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक को शुरू कर रहा है। यूनिट 6 का 6.1 जो है वो स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को कवर करेगा। तो शुरू करते हैं। पहले तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ले लें। ग्लोबलाइजेशन क्या है? दुनिया ना स्पाइरल्स में घूमती है। पहले ग्लोबलाइज हुई, फिर नेशनलाइज हुई, फिर ग्लोबलाइज हो गई या हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक ज़माना था जबकि दुनिया में इस तरह के बैरियर्स नहीं थे कि आप कौन से दुनिया, कौन से मुल्क में रहना चाहते हैं, उस मुल्क में कहाँ रहना चाहते हैं। इस तरह के कोई ख़ास बैरियर नहीं थे। पासपोर्ट्स वगैरह का इतना बड़ा मसला नहीं था। आप ट्राइब्स में दुनिया रहती थी, उस ट्राइब का हिस्सा बनना पड़ता था आपको प्रॉपरली ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगर आप ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं। लेकिन सिटी एरियाज़ में तो इस तरह की कोई पाबंदी कोई ख़ास नहीं होती थी। लेकिन फिर वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता नेशंस और कंट्रीज़ बाकायदा प्रॉपर बाउंड्री वाले कंट्रीज़ बनना शुरू हो गए। वरना सुनते थे ना, भाई फलाने साहब यहाँ से चलते चलते गए सऊदीया में जाके बस गए, वो वहाँ से चले चलते चलते गए फलानी जगह पर जाके बस गए। तो पहले एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाना पॉसिबल होता था। फिर जब कंट्रीज़ बन गए तो कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स को जो है ना बड़ा स्ट्रिंजेंटली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन जो थी वो लोग बग़ैर इजाज़त मुल्क में दाखिल ही ना हो सकें, इस लेवल की उन्होंने सख्ती कर दी। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, जो चाहे अंदर आ जाता था, जो चाहे चला जाता था। तो बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने लोगों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी, साथ साथ उन्होंने सामान के आने और जाने पर भी पाबंदी लगा दी कि हमसे पूछे बगैर कोई सामान ना आएगा ना जाएगा। तो ये जो स्ट्रिक्ट पाबंदियाँ थीं, इसकी वजह से हर मुल्क अपने रिसोर्सेज के अंदर महदूद हो गया। मेरे पास ऑलिव बनते ही नहीं है तो मैं ऑलिव ऑयल खा ही नहीं सकता। मेरे पास पेट्रोल निकलता ही नहीं है तो मैं पेट्रोल यूज़ कर ही नहीं सकता। ऐसी सूरत में फिर ट्रेडर्स को इजाज़त दी गई कि भाई ठीक है, आप यहाँ का सामान वहाँ बेचें, वहाँ का सामान यहाँ बेचें, हमें बताकर, ताकि हम अपने मुल्क में आने वाले गुड्स पे टैक्स लगा सकें, मुल्क से जाने वाले गुड्स का हिसाब रख सकें, उस पर भी इनकम पे टैक्स लगा सकें। नंबर एक। नंबर दो, हम ये देख सकें क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना। हो सकता है आप एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हो जो या तो लीगैलिटी की वजह से हम नहीं मंगाना चाहते, कोई ऐसी अल्कोहल ला रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो हमारे यहाँ लीगल नहीं है, या फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारी लोकल इंडस्ट्री सफ़र होगी उसकी वजह से, तो हम रोकना चाहते हैं आपको। तो बहरहाल कंट्रीज़ ने जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या ट्रेड अवेयरनेस कम अज़ कम अपने पास रखी कि हम हमारी मर्ज़ी से आएगा और जाएगा। लेकिन ये एक ज़माने तक तो अच्छा खासा सख्त था मामला। आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया कि ये इतना आसान नहीं रहेगा, हमने बिल्कुल सख्ती कर दी तो आसान नहीं रहेगा, बल्कि कि अगर हम मिल के ट्रेड को एक्सपेंड करें तो हम सब बेटर ऑफ रहेंगे। उसकी आसान सी मिसाल है कि आप के पास दिन में 10 घंटे हैं, मेरे पास भी दिन में 10 घंटे हैं काम करने के लिए। मैं मछली अच्छी पकड़ता हूँ, आप कोकोनट अच्छे तोड़ते हैं। अगर आप एक घंटे के, अभी एक जनरल डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान बात करते हैं, अगर आप एक घंटे में कोकोनट तोड़ें तो एक घंटे में आप जो है वो 10 कोकोनट तोड़ते हैं, ठीक है? तो 10 घंटे में कितने होंगे? 100 कोकोनट। अगर मैं एक घंटे में मछली पकड़ूं तो 10 मछली पकड़ता हूं, 10 घंटे में 100 पकड़ लेता हूं, ठीक है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात नहीं हो रही। आप अगर एक घंटे में 9 घंटे में 90, 8 घंटे में 80, 7 घंटे में 70, 6 घंटे में 60, 5 घंटे में 50, 4 घंटे में 40, 3 घंटे में 30, 2 घंटे में 20। अगर आप मछली पकड़ते हैं तो आप 1 घंटे में 1 पकड़ते हैं, तो आप अगर 0 घंटे में पकड़ेंगे तो 0 मछली पकड़ेंगे, 1 घंटे में 1 मछली, 2 घंटे में 2, 3 घंटे में 3, 4 घंटे में 4, 5 घंटे में 5, 6 घंटे में
छः, 7 घंटे में 7, 8 घंटे में 8, 9 घंटे में 9 मछली पकड़ते हैं आप। तो अब ये बताइए कि मैं अगर 1 घंटे कोकोनट तोड़ूं और 9 घंटे मछली पकड़ूं तो 10 कोकोनट आएंगे और 9 मछलियां आएंगी। मैं कहूंगा ठीक है, दिन में मैं कोकोनट भी खा लूंगा, 10 कोकोनट मेरे दिन के खाने के लिए बहुत हैं, 9 घंटे मछलियां पकड़ूंगा, दिन में 9 मछलियां भी मेरे खाने के लिए बहुत हैं, तो मैं अपना सारा दिन यूज कर रहा हूँ या आप अपना सारा दिन यूज कर रहे होंगे 1 घंटा कोकोनट तोड़ने में, 9 घंटे मछली पकड़ने में। इसका वाइस वर्सा मेरे साथ होगा कि मैं अपना सारा दिन यूज कर रहा हूँगा 9 घंटे में कोकोनट तोड़ूंगा 9, और 1 घंटे फिश पकड़ूंगा 10, तो मैं कहूंगा हाँ 10 मछलियां मेरे लिए ठीक है, 9 कोकोनट मेरे लिए ठीक है, सही है। लेकिन अगर गौर करें तो पूरी पूरे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कितनी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, टोटल 10 मछलियां पकड़ी जा रही हैं, टोटल 10 कोकोनट बनाए जा रहे हैं या तोड़े जा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। ये बात समझ आ रही है अब्दुल्ला भाई? 9 घंटे आप मछली पकड़ते हैं, 9 मछलियां, 1 घंटा मनी, 9 नहीं बल्कि ज्यादा हो गए, सॉरी, 9 घंटे आप मछली पकड़ते हैं, 9 मछली, 1 घंटा मैं मछली पकड़ता हूँ 10 मछली, तो 19 मछलियाँ हो गई, सॉरी सॉरी, और 19 कोकोनट हो गए। 9 घंटे मैं कोकोनट तोड़ता हूँ, 9 कोकोनट, 1 घंटे आप तोड़ते हैं, 10 कोकोनट, टोटल 19 कोकोनट हो गए। अब अगर कुछ ऐसा हो जाता कि हम एक दूसरे से ट्रेड करते और आप सारा वक्त कोकोनट तोड़ते तो आप 100 कोकोनट तोड़ लेते, मैं सारा वक्त मछली पकड़ता तो मैं 100 मछली पकड़ लेता, और हम कोकोनट से मछली एक्सचेंज कर लेते तो मुझे जितने कोकोनट चाहिए थे मुझे मिल जाते मछली के बदले आपके साथ। तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया अगर ट्रेड कर रहे थे हम ट्रेड खोलने से। तो ये बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेड ओपन होने का जो असर है वो दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि एक मुल्क जो बनाने की सलाहियत तो बहुत रखता है लेकिन उसके अपने मुल्क में जितने लोग कंज्यूम कर रहे थे उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सकता है। ग्लोबली पूरी दुनिया में आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो सोचता है कि मैं दूसरी दुनिया के दूसरे लोगों को भी वो सामान बेचूँ। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ पुश्ड द कंपनीज टू गो ग्लोबलाइज टू सेल टू अदर कंट्रीज एज वेल, ठीक है। फिर पॉपुलेशन मीनिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं जिसने पुश किया ग्लोबलाइजेशन की तरफ। नंबर टू, पॉपुलेशन खास तरह की स्पेशलाइज पॉपुलेशन मीनिंग इजियर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए शुगर केन, मैं डेनमार्क में शुगर केन उगाने की कोशिश कर रहा हूँ और 1 एकड़ में बहुत कम शुगर केन उगा पा रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्यों ना चाइना में ज़मीन लेके वहाँ शुगर केन उगा लूँ, वहाँ पे ज़मीन भी सस्ती है डेनमार्क के मुकाबले में, वहाँ पे पानी भी सस्ता है डेनमार्क के मुकाबले में, वहाँ पे लेबर भी सस्ता है डेनमार्क। तो स्पेशलाइज प्रोडक्टिविटी अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ों में हो रही है। जैसे कि मुझे कोई टेक्निकल चीज़ बनानी है तो मैं उस मुल्क में से बनवा लूँ जहाँ टेक्निकल चीज़ें बनाना सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि मैं अपने मुल्क में पहले पूरी R&D करूँ, नए सिरे से चीज़ें डेवलप करवाऊँ। तो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी अलग अलग इलाकों की अलग अलग एरियाज़ में चूंकि बढ़ी हुई है तो इसलिए हमें एडवांटेज होता है ग्लोबलाइज होने का। फिर जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है वो अपने पीक पे है, बेहतरीन, बड़े बड़े शिप्स का हमें सपोर्ट हासिल है, इंटरनेशनली लिंक रोड्स अब बन गई हैं और मजीद बन रही हैं। चाइना की एक पूरी वन बेल्ट वन रोड के नाम से पूरा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जी, पूरे दुनिया में चाइना चलेगा, उधर से सऊदीया ने भी अपनी एक रोड निकाल दी है, इंडिया भी अपनी एक रोड निकाल रहा है, यूरोप भी रोड के बारे में सोच रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका भी एक ज़माने में ऐसे सोच रहा है एक रोड जो अमेरिका से यूरोप को कनेक्ट करे समंदर के बीच में से जाए। तो वो जो रोड नेटवर्क्स हैं वो भी बेहतर हो गए हैं और बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ने भी आसान कर दिया हमारे लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान को भेजना बेचना सस्ता हो गया, उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, स्पीड बढ़ गई है। तीसरा ये कि वर्कर्स की मूवमेंट एक मुल्क से दूसरे मुल्क बहुत हो रही है, बहुत हो गई है, लेबर फोर्स अब यहां से वहां मूव हो सकता है। एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कि मेरे मुल्क में स्पेशलाइज लेबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, बाहर
बाहर से मंगा लूंगा। सऊदीया ने कितना करके दिखाया आपको, फाइनेंस के बंदे नहीं थे, पूरी दुनिया से फाइनेंस के बंदे मंगा लिए जिस चीज़ के। उनके यहाँ शुरू में ऑयल निकला, ऑयल के अंदर वो स्पेशलाइज नहीं कर पा रहे थे इस तरह का कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वो एडवांस किस्म की प्रोडक्शन करें, उन्होंने बाहर से मंगा लिया आराम को। सऊदी अरब और अमेरिका का जॉइंट प्रोडक्शन, अमेरिका से मंगा लिए लोग। तो ये जो लेबर मोबिलिटी है, इसने भी जो है वो आसानी पैदा कर दी चीज़ों, मुल्कों को आपस में ट्रेड करने में। चौथी बात ये, बल्कि पांचवी बात ये कि अब मुल्क जो है वो ज़्यादा ओपन हो गए हैं, दे आर मोर ओपन टू ट्रेड, दे आर मोर ओपन टू डिस्कशन, दे आर मोर ओपन टू मूविंग थिंग्स इन एंड आउट। अब बहुत से मुल्क अपनी नेशनलिटी देना शुरू हो गए हैं, वो भी क्लियर हो गया, थोड़ा सा मसला हल हुआ है ना। यूरोप में जाएं कुछ अरसा गुजारें, यूरोप की नेशनलिटी ले लें, अमेरिका जाएं कुछ अरसा गुजारें, अमेरिका में की नेशनलिटी ले लें। अब ऐसा ऐसा सऊदी अरब भी कोई इसका प्लान निकाल रहा है, पहले तो सख्त थी ना बिल्कुल, यूएई में अब आपको जो है वो आपको घर ले लें तो आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, कुछ सालों की, मतलब 50 साल की, 60 साल की, 100 साल की नेशनलिटी मिल जाती है, घर की लीज के साथ साथ वहाँ का रहने के राइट्स मिल जाते हैं, पहले सिर्फ काम करने जा सकते थे। यही अब सऊदी अरब कर रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट ले आए, फिर आप यहाँ के एक तरह से यहाँ के लिविंग राइट्स आपको मिल जाएंगे। तो ओपन हो गई हैं इकोनॉमीज, ट्रेड के लिए भी ओपन हो गई हैं, लोगों के मूव करने के लिए भी ओपन हो गई। इसकी वजह से भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेड करना आसान हो गया। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन नेशनलाइजेशन का उलट है, यानी छोटे छोटे अलग अलग मुल्कों में तकसीम होने के बजाय पूरी दुनिया को एक मुल्क समझा जाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम हमारे लिए पूरी दुनिया मार्केट, जो बेचने वाला है उसके लिए मार्केट पूरी दुनिया मार्केट बन जाए, तो उसका मुल्क ना रहे, जो खरीदने वाला है उसके लिए पूरी दुनिया मार्केट बन जाए तो उसका मुल्क ना। ऐसा हो रहा है ना, आपने अभी अली एक्सप्रेस से मंगा लिया, अमेजोन से मंगा लिया, जहाँ से चाहा मंगा लिया, दुनिया भर से चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। तो ये जो मेकिंग द वर्ल्ड वन बिग मार्केट प्लेस फॉर एवरीवन, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो ग्लोबलाइजेशन, कल्चरली भी अब ग्लोबलाइजेशन हो गई है। आज जो आप वो पहन रहे हैं, जो वो पहनते हैं, वो पहन रहे हैं जो आप पहनते हैं, आप वो सुन रहे हैं जो वो सुनते हैं, आप वो कह रहे हैं जो वो कहते हैं, वो कह रहे हैं जो आप कहते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे का कल्चर अब बहुत इंटरमिक्स हो गया है। कम्युनिकेशन का जो तरीका है, इंटरनेट की बात, तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत पुश मिला। ये बात नहीं लिखी, नंबर 6 पॉइंट था कि इंटरनेट ने तो मार्केट प्लेस की तो ख़त्म ही कर दिया हैसियत, कि कोई जाएगा दुबई में जाके चीज़ें देखेगा, उसको समझ में आएंगी, मगर भाई यहीं से देख लो जो देखना है। हर मार्केट एट योर फिंगर टिप आ गई ना, एवरी मार्केट इज़ देयर। चाइना की मार्केट ले लें, दुबई की ले लें, सऊदी, जहाँ की आपको पसंद आ रही है वहाँ की मार्केट देख के वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। अमेरिका में बैठ के बेच रहे हैं लोग आराम से, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं ना भाई। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इज ग्लोबलाइजेशन गुड और बैड? इसका बड़ा लंबा लंबा सवाल है, बहुत लंबी लंबा जवाब है इसका। आपके पास, आई डोंट नो, आपके पास शायद ये टॉपिक नहीं आएगा, एक एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मछली और कोकोनट की कहानी। इसके बाद क्या हुआ, आपने क्या कहा, आप खाली, आप क्या बनाना शुरू हो गए, कोकोनट। मैं क्या बनाना शुरू हो गया, मछली। और आपको सही लग रहा है, आप 100 कोकोनट बना रहे हैं, मैं 100 मछली बना रहा हूँ, ठीक लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मछली की इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है ना, वो है एक मछली 100 रुपये की बिकती है। कोकोनट की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है ना, वो एक कोकोनट 1 रुपए का बिकता है। अब बताएं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स तो आप और मैं बराबर बना रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आपकी और मेरी वैल्यू में बहुत फर्क है। इससे क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा? जब आप मछली और कोकोनट बना रहे थे, आप 1 घंटा कोकोनट तोड़ते थे, 10 कोकोनट आते थे, 9 घंटे मछली पकड़ते थे, 9 मछलियाँ आती थी, टोटल कितने का कर रहे थे, 10 कोकोनट 10 रुपए के, 10 कोकोनट ये वाले सिनेरियो में।
10 कोकोनट 10 रुपए के, 9 मछलियां 900 रुपए की, तो ये 910 हो गए। अब आप खाली कोकोनट बना रहे हैं, 100 कोकोनट ही बना लें तो 100 रुपये में कमा रहे हैं। अब पहले मैं जो कर रहा था, मैं 100 मछलियां बना रहा हूँ, मैं 100 × 100 10,000 रुपये बना रहा हूँ। तो आप जो चीज़ बना रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल है, उसकी मार्केट में क्या प्राइस है, एक्सचेंज रेट क्या है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हाई वैल्यूड चीज़ है, तो आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे, मेरे हिसाब से चलेगा भाई मामला। आप बेच रहे हैं फाइटर जेट्स, आप बेच रहे हैं बैंकिंग सॉल्यूशन, आप बेच रहे हैं गाड़ियां, आप बेच रहे हैं ऐसी हाई वैल्यू कंप्यूटर्स, चिप्स, मोबाइल फोन्स, जो कि हाई वैल्यूड चीज़ें हैं। हम बेच रहे हैं आपको गंदम, हम बेच रहे हैं आपको गोश्त, हम बेच रहे हैं आपको मटर, लो वैल्यूड चीज़ें। तो इस वक्त जब ट्रेड हो रही होगी तो टर्म्स किसकी चलेंगी, टर्म्स उसकी चलेंगी जिसकी गुड्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइजेशन करने से, अब लफ्ज़ एक आ गया स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन करने से ज़्यादा फ़ायदा उसका होगा जिसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड स्ट्रांग होंगी, और दूसरे वाले को नुकसान हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करने में लगा रहा है, दुनिया को चाहिए तो है लेकिन दुनिया उसके पैसे नहीं दे रही, तो आपके यहाँ तरक्की कहाँ से आएगी फिर। खैर, तो हम जा रहे हैं वापस, स्पेशलाइजेशन एट नेशनल लेवल, व्हाट इज दैट। जैसे कि, या ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अब इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे कि आपका मुल्क क्या है कि मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, जी अब्दुल्ला भाई, आपका मुल्क कहे कि मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है, करना चाहिए उसको, क्यों? पेट्रोल के जो कंपेटिटर्स के मुकाबले में आपके पास पेट्रोलियम के इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप सारी अपने नेशनल रिसोर्स को लगा दें, निकलेगा कुछ भी नहीं अगर, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो गई। तो एक चीज़ होती है नेचुरल एंडाउड फैक्टर, कुदरत ने जो आपको दिए, उन फैक्टर्स से पहले लेवल पर डिसाइड होता है, पहले लेवल पर डिसाइड होता है कि आपको किस चीज़ में पहले स्पेशलाइज करना चाहिए, जो आपके पास है आप उसमें अच्छे बन जाओ, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कि इस ऑयल प्रोडक्शन में किसने स्पेशलाइज किया, जिनके पास ऑयल ज़्यादा था उन्होंने स्पेशलाइज कर लिया, ठीक है। चाइना के पास क्या ज़्यादा था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, चाइना ने पॉपुलेशन के थ्रू लेबर फोर्स को अपनी स्पेशलाइज करवाया, दुनिया भर से इंडस्ट्री वहां पहुंच गई, लेकिन उन्होंने फिर उस स्पेशलाइजेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। अगर दुनिया भर से इंडस्ट्री आएगी तो पाकिस्तान में भी लेबर फोर्स सस्ती है, चाइना से तो सस्ती है पाकिस्तान में, इंडस्ट्री पूरी दुनिया से आ गई तो क्या मसले होंगे उसको, मसला नंबर एक सिक्योरिटी, मसला नंबर दो करप्शन, मसला नंबर तीन करप्शन आ गई ना, मसला नंबर तीन पावर रिसोर्सेस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इंडस्ट्री कहाँ चलेगी। तो चाइना ने जब स्पेशलाइज करने जा रहे हो तो स्पेशलाइज ऐसा नहीं हो जाएगा, फकीर पड़ा हुआ है मैं स्पेशलाइज करता हूँ भाई, ये स्पेशलाइज करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को अपने जमा किए, दुनिया के तीन बड़े डैम वहीं मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े डैम हैं कि मतलब आप शहरों जितने डैम हैं बड़े बड़े, ठीक है। चाइना में क्यों डैम क्यों बनाए, बिजली बनाने के लिए, उन डैम्स के अराउंड शहर आबाद किए, उन शहरों के अंदर लेबर फोर्स को ट्रेन करके भेजा, उन डैम्स के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कोल, ये वो सब कुछ अवेलेबल कर दिया, ताकि जब इंडस्ट्री लगे तो उस इंडस्ट्री को। तीसरा, फिर रोड नेटवर्क बनाया, वो इंडस्ट्री वहां खड़ी होगी तो अपने सामान भेजेगी, वो कहेगी इतना महंगा पड़ता है मैं सामान इधर उधर भेजना, नहीं, रोड नेटवर्क बनाए, ड्राई पोर्ट्स बनाए, यहीं से डायरेक्ट भेज दो भाई, बाउंड हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तो स्पेशलाइजेशन की यूएस ने की, तो इस यूएस ने टेक्नोलॉजी में कर ली, चलें सऊदीया ने ऑयल में कर ली, किसी मुल्क ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कर ली। स्पेशलाइजेशन करने से जो है वो आपके अपने अपने
जिन एरियाज में आप अच्छे होते हैं उन एरियाज में नेचुरली आप ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, और फिर नतीजतन आप जो है वो ज़्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। और जो चीज़ें आप नहीं बना सकते होते वो दूसरा सस्ती बना रहा होता है, वो अगर आप खुद बनाएंगे तो आप महंगी बनाएंगे। जैसे कि अगर हम अपने पास मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन महंगा बनेगा, जो लोग मोबाइल फ़ोन ज़माने से बना रहे हैं अब परफेक्ट हो चुके हैं बनाने में, वो सस्ता बना रहे हैं। आप जो चीज़ अच्छी बना रहे हो वो अच्छी बना लो, वो आप दूसरों से अच्छी बना सकते हो, ठीक है। तो एक थ्योरी है एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की, उसमें नहीं जा रहा मैं, लेकिन जिन चीज़ों में आपके पास एडवांटेज है उन चीज़ों में आप स्पेशलाइज कर लो तो मार्केट आपको बीट नहीं कर सकती, आप पूरी मार्केट को बेचो, पूरी दुनिया को बेचो। सही है, बात समझ आ रही है? तो स्पेशलाइजेशन के फायदे क्या हैं? पहला फायदा है पूरी दुनिया में ही आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, हर चीज़ ज़्यादा बन रही होगी। जैसे हमने देखा उधर फिश ज़्यादा बन रही थी, उधर कोकोनट ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। इसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ग्लोबल जीडीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर आप स्पेशलाइज करेंगे तो आप पूरी दुनिया में घूमेंगे, यार हमसे सस्ती चीज कोई नहीं बनाता, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। ज्यादा से ज्यादा मुल्कों से आपकी ट्रेड होगी, जब ज्यादा मुल्कों से अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब आप ज्यादा मुल्कों से ट्रेड करेंगे ना, हर मुल्क ज्यादा मुल्कों से ट्रेड कर रहा होगा, चांसेस ऑफ वॉर कम हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज होती है ना तो वॉर के चांसेस कम हो जाते हैं, निस्बतन पीसफुल हो जाएगी दुनिया। फिर इसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबली प्राइसेस कम हो जाएंगी। जब सबसे सस्ता बनाने वाला सबको बेच रहा है तो ओवरऑल प्राइसेस कम होंगी। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब, मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपर्टीज है दुनिया की, हमारे तो बड़े महंगे मिल रहे हैं। गाड़ियां बनाने की दुनिया भर में लोगों को बड़ी एक्सपर्टीज है, हमारे तो बड़ी महंगी मिल रही है। वो एक अलग चक्कर है कि हमें टैक्स लगा हुआ, वरना इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें बहुत सस्ती मिल सकती थी ये चीज़ें। वो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट मुल्क हैं, वो कंपटीशन कर रहे हैं, हमारी गाड़ी ले लो, नहीं हमारी गाड़ी ले लो। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से जैसे मैंने कहा कुछ नुकसान भी होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशलाइज करने से कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान नंबर एक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी आपके यहाँ। क्यों होगी? क्योंकि आपके मुल्क में हर शख्स एक चीज नहीं बना रहा होगा, आपके मुल्क में हर शख्स एक चीज नहीं बना रहा होगा, कुछ बना रहा होगा, कुछ बना रहा होगा। आप एक चीज को ज्यादा फोकस करेंगे तो दूसरी चीजें बनाने वाले अपने आप को डिप्राइव फील करेंगे, ऐसा ऐसा उनका कारोबार कम हो जाएगा, बाहर से सस्ती चीजें आ रही होंगी उन्हीं की टाइप की, तो वो नहीं बेच पाएंगे, तो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनको दूसरा काम सीखना पड़ेगा। नंबर दो, ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, जो सऊदीया के साथ हुई। ओवर एक ऐसी चीज थी पूरी दुनिया को चाहिए थी, आप ही बनाते थे, आपने से वही बनाना शुरू कर दी, इतनी बनाना शुरू कर दी वो चीज़, और बाकी चीज़ों से इतना आपका ध्यान हट गया कि जब उस चीज़ की डिमांड थोड़ी सी भी हिली ना दुनिया में तो आप गए। श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमी का मेजर पार्ट जो था वो इंटरनेशनल टूरिज्म से था, और बहुत कमा रहे टूरिज्म से, बट टूरिज्म पे सारा फोकस कर दिया। जब इंटरनेशनली कुछ सिक्योरिटी के हालात टाइट हुए, लोग श्रीलंका जाना कम हो गया, श्रीलंका में ऐसी बैठी इकोनॉमी के सब गरीब सब सड़कों पर आ गए, जलाओ घेराओ मारपीट इस लेवल का आ गया था, कोविड के बाद से इंटरनेशनल टूरिज्म खत्म हो गया था ना। सिमिलरली सऊदी अरब के साथ ठीक ठाक हाथ हुआ था, जब इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस नीचे डिप हुई ठीक ठाक, तो सऊदी अरब के तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब लोग कह रहे थे कि बस पता नहीं कब खत्म हो जाए इनकी गवर्नमेंट, इतना बुरा हाल हो गया था। जिसके नतीजे में जो अब वहाँ की गवर्नमेंट है वो स्पेशलाइजेशन से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रही है, कह रही है ऑयल तो निकालेंगे अब कुछ और भी करेंगे भाई, तो उन्होंने अपने आप को दुबई मॉडल पर इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर बनाना शुरू कर दिया है ना। आप दुनिया भर के लोगों को आप बुला रहे हैं, कानून आसान कर रहे हैं, इंटरनेशनल शहरियत दे रहे हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप दे रहे हैं वहाँ पे कि ये जगह है हमारी, यहाँ पे आप जो चाहो करो, हमारे कानून आप पे नहीं अप्लाई होते। क्योंकि उन्होंने देखा कि एक दफ़ा हमने स्पेशलाइज कर लिया ऑयल में तो फिर हम फंस गए थे, ओवर स्पेशलाइज कर लिया था,
जरा सा वो वाली चीज मार्केट में डाउन हुई और हम गए। ठीक है जी, ऑयल की मार्केट गिरी थी, गैस की नहीं गिरी थी। तो सऊदिया गिर गया था, कतर खड़ा हुआ था, कतर गैस से फोकस करता है। फिर नंबर तीन, कंज्यूमर चॉइस कम होना शुरू हो जाएगी। ये क्या बात हुई, स्पेशलाइजेशन से कंज्यूमर चॉइस कम क्यों हो जाएगी? बस वही बनाएगा तो फिर दूसरे बनाएंगे नहीं, तो फिर बिकेगी नहीं, तो फिर वो लोग बंद कर देंगे बनाना, तो फिर उसी मार्केट में मिल रही होगी। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनली जो है वो अगर गाड़ियां जापान सस्ती बनाता है, पर जापानी गाड़ियां ही मिलेंगी खाली आपको, बाकी कोई उसके आसपास फटकेगी नहीं। इतनी कॉस्ट का डिफरेंस होगा, इतना कॉस्ट का डिफरेंस होगा, कोई और मार्केट में आप गाड़ी लेंगे ही नहीं। अमेरिका इतनी मशहूर मशहूर गाड़ियां बनाता है, लेकिन अमेरिका में जहाँ आपको हर तरफ जापानी गाड़ियां नजर आएंगी, क्यों? प्राइस से कंपेरिजन ही नहीं है, वो सस्ती बनाते हैं। फिर अमेरिका को अपनी गाड़ी बेचने के लिए करना पड़ेगा कि जापानी गाड़ियों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, वो महंगी करें, फिर वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मजा ही खत्म हो गया। मजा था ना भाई, जहाँ पे जो चीज़ सस्ती मिलती है वो चीज़ वहाँ से ले लो, तो अब जापानी गाड़ी भी महंगी मिल रही है तो फिर नुकसान में आप वो भी लगा दें जी। तो कंज्यूमर चॉइस कम होती है जब आप ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। तो फिर रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट होते हैं और डिप्लीट भी हो जाते हैं। आपके मुल्क में कॉपर बड़ा अच्छा था, सस्ता था, आपने कॉपर इंडस्ट्री लगाया, उसको तो स्पेशलाइज कर लिया, हुए पूरी दुनिया में कॉपर के प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं, थोड़े दिन में कॉपर खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? डिप्लीट हो गया, तो फिर वही आपकी आपका एंडाउमेंट जो एडवांटेज था वो खत्म हो गया। या फिर आप क्या करेंगे, जगह जगह धमाके कर रहे होंगे, यहाँ से निकले कॉपर, वहां से निकले कॉपर, पूरा जैसे कि वो मछली ओवर फिशिंग हो जाती है। अब मछली में स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, ओवर फिशिंग हो गई, मछली मर गई, खत्म हो गई सारी, अब क्या करें? तो जब आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्सेज की कि फिर वो एसेंशियल गुड्स और सर्विस के लिए दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे हम लोग हैं डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर पॉलिसी मेकिंग उनके हिसाब से करनी पड़ेगी, डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर एसेंशियल गुड। है ना भाई? तो ये कुछ मसले भी हैं। अब इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। एक टॉपिक है, उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो किसी एक मुल्क में पैदा हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो एक कंपनी में, एक कंट्री में हो, और फिर उसके मजीद कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन सर्विसेज मौजूद हों। जैसे कि मिसाल के तौर पे टोयोटा जापान में बनाता है, बाकी मुल्कों को भी बेचे तो ये मल्टीनेशनल नहीं बनेगी। टोयोटा यूएस में भी बनाता है, अब ये मल्टीनेशनल बन गई। जापान में बनाता है, जापान ने बेचे, दुनिया भर में बेचे, ये मल्टीनेशनल नहीं बनी। लेकिन यूएस में भी बनाता है, तो चाहे वो सिर्फ यूएस में बना के यूएस में ही बेचे या यूएस में बना के यूएस से भी आगे बिकवा दे, दोनों सूरतों में मल्टीनेशनल बन गई। मल्टीनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो एक से ज्यादा मुल्कों में अपने ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेज के रखती है। कोई कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है ना, प्रोडक्शन करती नहीं है, सिर्फ सर्विसेज देती हैं, तो सर्विसेज के भी प्रॉपर फंक्शन उनके मौजूद हों। सिर्फ एजेंसी खोलने से मल्टीनेशनल नहीं बनेंगे आप। बनती जापान में है, यहाँ पे आपने एक एजेंट बिठाया, वो वहां से मंगा के यहाँ बेचता है, तो मल्टीनेशनल नहीं हुई अभी कंपनी, ठीक है, तो एजेंसी हो गई। मल्टीनेशनल के लिए आपका पूरा ऑपरेशंस उस मुल्क में मौजूद होना जरूरी है। तो जब कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म के अंदर क्या था कि हर फर्द को आजादी थी, जितना चाहे जहां से चाहे पैसा ले, पैसा बनाए, चाहे वो ज्यादा का बेच रहा हो या कम का बेच रहा हो, कोई सख्ती नहीं थी उसके ऊपर। तो पैसों की मदद से कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि उनके पास ये सलाहियत आ गई कि ना सिर्फ अपने मुल्क में अपना कारोबार चलाएं बल्कि दूसरों मुल्कों में भी अपना कारोबार चलाएं। तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इतनी बड़ी हो गई कि उनकी उन उन कंपनीज की इकोनॉमी मुल्कों की इकोनॉमी से बड़ी हो गई। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक चार्ट मौजूद है,
वॉलमार्ट जो है रिटेल कंपनी है, जानते हैं ना वॉलमार्ट, जैसे आपका कारफोर है, इम्तियाज है। वॉलमार्ट का जो टोटल एनुअल रेवेन्यू है, रेवेन्यू सालाना सेल जो है 482 अरब डॉलर की सेल है, 482 अरब डॉलर की सेल है। इसमें 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं। कहाँ मौजूद है? यूएस में। अब इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टेट ग्रिड कंपनी है चाइना की, दुनिया भर को बिजली बेचती है, दुनिया भर में उसके ऑपरेशंस हैं। चाइना नेशनल पेट्रोलियम है, सिनोपेक है, रॉयल डच शेल है, शेल कंपनी का तो आपने नाम सुना होगा, हमारे मुल्क में भी है, एक्सॉन मोबिल है, वॉक्सवैगन है, टोयोटा है, एप्पल है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, मुख्तलिफ कंपनीज इस तरह की हैं। अब उसके बाद खाने वाली कंपनीज के नाम आ जाएंगे, नेस्ले है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, गूगल, एप्पल तो आ ही गया पीछे, ठीक है। तो मल्टीनेशनल्स जो हैं वो अब दुनिया भर को रूल कर रही हैं, ये बात हमें पता चल गई। यहाँ पे पेज पे तस्वीर पे चिपकी हुई है, किसके पास नहीं चिपकी हुई भाई? क्यों नहीं तो हमारा मिटा दिया ना ये, क्या ख़त्म हो गई पाकिस्तान से शेल, इसलिए मिटा दिया। चलें तो मल्टीनेशनल होने के क्या फ़ायदे हैं, एक कंपनी को क्या फ़ायदे हैं? जी जी, किसी कंपनी को मल्टीनेशनल होने के क्या फ़ायदे हैं? कंज्यूमर्स, बात समझ में आती है, कंज्यूमर बढ़ जाएंगे उसके लिए, ठीक है। बैरियर्स को अवॉइड करेगी वो। अगर आप कहेंगे ना हमारे मुल्क में इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम इंपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, आपके मुल्क में ही तो बना रहे हैं, बैरियर्स उसके लिए फिर इफेक्टिव नहीं रहते, आसानी हो जाती है उसके लिए। बहुत पुरानी पुरानी मिसालें हैं ना इसकी, कोक फलाने मुल्क में कोक नहीं जा सकती थी, उन्होंने फैक्ट्री में ही लगा ली, अब इम्पोर्ट तो नहीं हो रही भाई, नाम बदल दिया, ठीक है। तो यूँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी आपकी। अगर आपको पता है कि मुझे इस मुल्क को इतने करोड़ यूनिट तो बेचते ही हर साल, तो क्यों ना यहीं बना लूं? जी भाईजान ने कहा कि रिस्क जो है वो हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, इसको कहते हैं हम रिस्क हेजिंग, हेज, HEDGE, हेज, हेज का मतलब बांट देना, बट गया इधर भी थोड़ा उधर भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। फिर वेज कॉस्ट जो है वो, तो पूरी कॉस्ट ही ले लें, हर तरह की कॉस्ट जो है वो कम होंगी, जहाँ पे लैंड सस्ती है वहाँ बना लो भाई, अगर लैंड इंटेंसिव काम है, लेबर इंटेंसिव काम है, जहाँ लेबर सस्ता है वहाँ ले जाओ, टैक्स जहाँ पे सस्ता है वहाँ पे बना लो भाई। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो उन्होंने टैक्स फ्री जोन बनाया हुआ है, 20 साल तक कोई टैक्स नहीं होगा आपके पास, आ जाओ चलो भाई, मज़े ही मज़े, याशी याशी, ठीक है। फिर आप दुनिया भर से पैसे वसूल कर सकते हो पार्टनरशिप की मद में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आपका कारोबार पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गया है, इतना मशहूर हो गया दुनिया भर कह रही है भाई द वार हंटिंग इक्विपमेंट, ओए होए हमें भी चाहिए, तो अब यहाँ से बेचते हैं, महंगा पड़ता है, दवा भाई का कारोबार भी एक लिमिटेड, दवा भाई यूएस में क्या कहने है भाई हमारा ये ज़बरदस्त आइडिया है, ये इक्विपमेंट हम ऐसी बनाते हैं, कहा यार हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। दवा भाई का अभी पाकिस्तान में जितने ही बड़े हो गए थे, इतने पैसे नहीं हुए थे कि वो 8-10 मिलियन डॉलर की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते, उन्होंने पार्टनरशिप करके इन्वेस्टमेंट पकड़ ली, बड़े हो गए, और तो मल्टीनेशनल होने से उनको दुनिया भर के रेवेन्यू यानी वो इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज भी मिल गए मल्टीनेशनल होने से। छोटे मुल्क में जाते हैं तो आपको मोनोपोलाइज कर सकते हैं, ये तो फायदा है मोनोपोल अपना मल्टीनेशनल का अपना। मल्टीनेशनल होने से मुल्क का क्या फायदा है? अगर किसी मुल्क में मल्टीनेशनल आती है तो क्या फायदा होता है? जॉब्स बढ़ जाती हैं, कैपिटल आ जाता है बाहर से, कैपिटल इनफ्लो, गुड क्वालिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज बेहतर हो जाती है, आपके मुल्क का जीडीपी बढ़ जाता है, ठीक है, वेरी गुड, और गवर्नमेंट का जीडीपी के थ्रू हो गया सब, गवर्नमेंट जीडीपी बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, सब चीज़ें फ़ायदा हो गया आपका इकोनॉमी को। उसके अलावा न्यू आइडियाज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो है ना वो छोटी कंपनी नहीं कर सकती, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल अच्छी R&D कर सकती हैं,
ठीक है, और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, रिलेशन इंटरनेशनली, ठीक है, आपका लेबर ज्यादा ट्रेन हो जाएगा, उस कंपनी में जाके ट्रेन होगा, बाद में दूसरी कंपनी में जॉब कर लेगा। पिज्जा हट की बड़ी अच्छी मिसाल है, पिज्जा हट आया था, पिज्जा हट बनाना सीखा, फिर दूसरा अपना बना लिया, पिज्जा 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 नेक्स्ट, खत्म हो गया। बिल्कुल सेम बनाते थे, बिल्कुल सेम, सेम एम्बियंस, सेम एनवायरनमेंट, सेम सैलरी, सेम, पता चला वही लोग थे। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं मल्टीनेशनल के कंट्री को, लेकिन मल्टीनेशनल होने के उस मुल्क को कुछ नुकसान भी होते हैं। जब मल्टीनेशनल किसी मुल्क में आती है तो उनको कुछ नुकसान भी होता है। सबसे पहले तो स्मॉल बिजनेस आउट हो जाता है, लोकल बिजनेस जो है ना, अगर वो इनएफिशिएंट है तो वो आउट हो जाता है, फिर वो प्रॉफिट टेक दे टेक द प्रॉफिट्स बैक टू देयर ओन कंट्री। अगर किसी, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है, अगर किसी के पास पैसे हैं लगाने के लिए किसी कारोबार में, तो कहेगा कि मल्टीनेशनल के कारोबार में लगा दूं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। छोटे बिजनेसेस को वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, इन्वेस्टमेंट पूल टूवर्ड्स देम। फिर ये इतनी बड़ी होती हैं कि ये पुश गवर्नमेंट्स फॉर देयर फेवर्ड पॉलिसी मेकिंग। जैसे अमेरिका के अंदर एक बड़ी कंपनी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, मल्टीनेशनल बड़ी हो जाती है ना, बड़ी कंपनी हो गई, तो अमेरिका में जो गन की कंपनीज है ना, वो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी कंपनी। तो आप देखते हैं अमेरिका में हर साल कितने लोग, कितने बच्चे मरते हैं, स्कूल में गन ले आता है कोई बच्चा, फिर वो वहाँ पे पबजी खेलता है, लाइव पबजी खेलता है, लाइव कॉल ऑफ ड्यूटी शुरू कर देता है वो। ठीक है, ऐसा बहुत होता है, बहुत कॉमन है अमेरिका के अंदर ये, कि लोग वेपन्स को जो है वो मास मर्डर के लिए यूज़ करते हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ बचपने में। तो जी बड़ी इस पे डिबेट है, बड़े लोग पुश कर रहे हैं कि वेपन्स को बैन कर दो, वेपन्स को, पर्सनल वेपन को बैन कर दो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इन सब के जो है वो डायरेक्ट कनेक्शंस हैं उनसे, जो कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है जी, आप देखते हैं वो टोबैको की पैकेट के ऊपर कैसी कैसी तस्वीरें लगा रहे हैं, भाई बंद कर दो प्रोडक्शन, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, प्रोडक्शन बंद कर दो, फैक्ट्रियों को ताला लगा दो, नहीं लगा सकते। उनके साथ जो, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग लेवल पे ऊपर तक हैं। फिर मल्टीनेशनल जो है वो अगर बड़ी हो जाती है तो दे वर्किंग कंडीशन उनकी बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन, क्योंकि अब उसकी प्रेस्टीज का मसला आ गया ना, आप भाई आप यूनिलीवर में काम कर रहे हो भाई, तो कम से कम 18 घंटे तो करोगे, जाओ वरना लोकल कंपनी में कर लो काम, जाओ, यहाँ का करियर है, करियर ओए हो, यहाँ का करियर तो बहुत, 18 घंटे काम करोगे, 20 घंटे काम करोगे, ऐसी हाइप बना दी जाती है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम। हम एक कोर्स कर रहे थे, किसी खास मल्टीनेशनल के लोग भी आए हुए थे उसमें, तो उसका हमने एक सेक्शन था उस कोर्स का, जिसके अंदर कि हम उनको प्रायोरिटाइज, टास्क प्रायोरिटाइजेशन बता रहे थे, इम्पॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट का डिस्कशन हो रहा था, कि आपके पास एक दिन में कितनी इंपॉर्टेंट टास्क होनी चाहिए, कितनी कितनी टास्क ऐसी हैं जो कैटेगरी एक ही टास्क हैं, वो आप एक दिन में करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट। तो भाई उसके पास इतनी टास्क हर रोज होती थी जो वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था कि कर लेता, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था कि वो कर लेता, इतनी टास्क होती थी उसके पास रोजाना की। और वो लगा हुआ है सुबह से, बंदा लगा हुआ है, लगा हुआ, ऑलमोस्ट वो ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स था, कि वो जो है वो उसका साइकोलॉजिकली वो कोलैप्स हो जाता, क्योंकि अगर नहीं कर पाया कोई और मिल जाएगा, कि वो निकाल दिया जॉब से, इतनी चार्मिंग जॉब है, गाड़ी दे दी,
सैलरी अच्छी दे दी, बस आपने खरीद लिया बंदा, अब वो छोड़ नहीं सकता। जी इसी तरह से वर्किंग कंडीशन तो खराब करते ही करते हैं, दूसरे मुल्कों के लॉज का फायदा उठाते हुए वहां के एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट को भी खराब करते हैं। यानी आपको पता है यहाँ पे धमाके करते रहो किसी को पोल्यूशन के राइट्स वो नहीं पता, करते रहो यहाँ पे इतना ज्यादा गंद समंदर में डालते रहो कोई कुछ पूछने वाला नहीं, डालते रहो तो फिर वो वहाँ के एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी पावर बहुत होती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ मसाइल थे जो मल्टीनेशनल की वजह से हमने डिस्कस किए। ये बात हुई ना, वो अपनी मर्जी की पॉलिसी मेकिंग करवा लेते हैं पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की वजह से। फिर अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में फ्री ट्रेड की, और फ्री ट्रेड की जैसे ही बात होगी तो फौरन ही बात आएगी प्रोटेक्शनिज्म की, दोनों एक दूसरे के हैंड इन हैंड चलेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो समझते हैं ना भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो चाहे जिसको चाहे बेच सकता हो, जो मुल्क चाहे जहां चाहे बेच सकता हो, कोई बैरियर ना हो। अब बैरियर समझ में आएगा तो फ्री ट्रेड समझ में आएगा। तो पहले मैं कैसा करता हूं कि बैरियर्स डिस्कस कर लेता हूं। तो प्रोटेक्शनिज्म इसके अगेंस्ट एक टर्म है। प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि अपने मुल्क को बाहर से आने वाली आजाद ट्रेड से बचाया जाए, उसके नुकसान से बचाया जाए। प्रोटेक्शनिज्म के मशहूर चार तरीके हैं, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी। याद होना चाहिए यार ये। क्या है? हाँ क्वालिटी, पॉलिसी मेकिंग कह लें, पांचवा पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, अच्छा जी। पहला काम तो ये है कि अगर आपके मुल्क में कोई चीज़ बिक रही है, जैसे पाकिस्तान में कौन सी सोनी के टेलीविज़न बनते थे, किसी कंपनी के बनते थे, सोनी के बनते थे, और फिर बाहर से दूसरे मुल्कों से सोनी के टेलीविज़न आए तो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, सोनी का सोनी से मुकाबला शुरू हो गया, तो फिर लोकल सोनी कौन खरीदेगा? तो फिर सोनी की कंपनी फैक्ट्री बंद होने की तरफ चली गई, हो ही गई बाद में। तो जब वो बंद हो रही थी तो फिर उस वक्त ही सोचा गया कि जो बाहर से सोनी आ रहा है उस पर टैरिफ लगा दें। टैरिफ क्या है? टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट, कि उस पर टैक्स लगा देंगे तो महंगा हो जाएगा तो हमारे वाले से मुकाबला कर सकेगा, हमारा वाला उससे मुकाबला कर सकेगा। देखा यह गया है कि शॉर्ट टर्म में टैरिफ फायदा कर सकता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। टैरिफ क्या नुकसान करता है? नहीं, एक और मसला है, बाहर का टैरिफ लगा देने से अंदर वाला सुकून में आ जाता है, फिर वो इस बात की मेहनत बंद कर देता है कि हमारी प्रोडक्ट उससे कंपेटिटिव कैसे होगी, इसकी मेहनत बंद हो जाती है। मसलन अगर बाहर का मोबाइल फ़ोन 20,000 में मिल रहा था हाई क्वालिटी, हमारा मोबाइल फ़ोन लो क्वालिटी 30,000 का मिल रहा था, हमने बाहर वाले पे डबल टैक्स लगा दिया, बाहर वाले को 40,000 का कर दिया, ठीक है, तो अंदर वाला वैसे ही फ़ोन बनाता रहेगा, ना कॉस्ट कम करने के बारे में सोचेगा ना क्वालिटी इंप्रूव करेगा, क्या मेरा तो बिक ही रहा है ना। अगर ये कंपटीशन उसको बग कर रहा होता कि 20,000 में इतना अच्छा फ़ोन मिल रहा है तो वो अपने पास मेहनत करता। तो ये टैरिफ हमेशा ना टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई हम इतने टाइम के लिए लगाएंगे, उसके अंदर अंदर आपने इम्प्रूवमेंट कर लो, उसके बाद फिर हमें टैरिफ हटा देंगे। तो एम टाइम बाउंड नहीं होता तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये पॉलिसी मेकिंग को पुश करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट के पास जा जा के वो स्ट्राइक करेंगे, उनको कुछ प्रेशराइज करेंगे, जान पहचान लगाएंगे कि भाई ये टैरिफ जारी रहे ताकि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स बिकें,
लोकल प्रोडक्ट ज़रूर बेचें लेकिन अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें, क्वालिटी ऊपर लेके आएं। तो टैरिफ जो है वो, अब आप जब टैरिफ लगाते हैं किसी चीज़ पे तो उस मुल्क के वो मुल्क आपकी प्रोडक्ट से भी टैरिफ लगा देता है, तो उसका उसमें बाद अवकात आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा भी टैरिफ लग गया तो मार्केट में बिकना बंद हो जाएगी आपकी बिल्कुल ही, तो आपको टैरिफ सोच समझ के लगाना होता है। इसी तरह से एक चीज़ होती है कोटा। आप ये कहो कि हम आप पे कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हम सिर्फ 50,000 यूनिट्स मंगाएंगे, तो लेट सपोज मार्केट में जो डिमांड थी वो 5 लाख यूनिट्स की थी, 50,000 बाहर के आ गए, लोकल 4.5 लाख से पूरी कर लिया आपने। अच्छा, बाहर के जब कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी मार्केट में प्राइस भी बढ़ी जाएगी, डिमांड सप्लाई का रूल है। एक चीज़ मौजूद कम है, डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, फिर लोकल मार्केट सर्वाइव कर जाएगी किसी तरह से। ठीक है, तो एक तरीका ये कि कोटा कर दें आप, एक लिमिट से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होगा। एक चीज़ है कि आपके बैन नहीं आएगा, ये चाहिए नहीं भाई, कुछ प्रोडक्ट्स को आप बैन कर सकते हैं, उसके इम्पोर्ट को ही बैन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को ही बैन कर सकते हैं। अभी इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट पे एम्बार्गो लगा दिया, एक्सपोर्ट पे। ठीक है, क्यों बैन लगा दिया उसने? क्योंकि उनकी लोकल डिमांड मीट नहीं हो रही थी। उनको उन्होंने कहा हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल बनाने वालों में से एक हैं और हमें अपने लिए चावल इंपोर्ट करना पड़े पे क्या फ़ायदा। तो उन्होंने पहले उस पर बैन लगाया, उन्होंने कहा पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि क्यों कम हो रहा है, उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे। ठीक है, तो बाहर बेचने पे भी एम्बार्गो लग सकता है, एम्बार्गो मतलब बैन, टोटल बैन। अंदर आने पे भी एम्बार्गो लग सकता है कि ये चीज़ तो हमारे मुल्क में आएगी ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीनी पे भी हो सकता है, वो किसी और गुड पे भी हो सकता है। और चौथी चीज़ ये कि आपने कहा कि यार ना मैं आने वाले मुल्क पे टैक्स टैरिफ लगा सकता हूँ, उससे मैंने टैरिफ लगाया मुझ पर टैरिफ लगाएगा मेरा ज़्यादा नुकसान होगा, ना मैं उस पर कोटा लगा सकता हूँ, मैं उस पर कोटा लगाऊंगा मुझ पर कोटा लगाएगा मेरा ज़्यादा नुकसान होगा। लेट सपोज ऐसी चीज़ है कोई हमारी, हम एम्बार्गो भी नहीं कर सकते, वो हमारे को एम्बार्गो कर देंगे, वो चीज़ ऐसी है भी नहीं कि हम ना मंगा सकें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने लोकल प्रोड्यूसर को सब्सिडाइज कर देते हैं। ठीक है भाई, उसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आपकी प्राइस कम करवा देते हैं, आपको हम सस्ती बिजली दे देते हैं, हम आपको सस्ती रॉ मटेरियल दे देते हैं, हम आप पे टैक्स छोड़ देते हैं, आपको कुछ इस तरह का काम करते हैं कि आपके लिए सब्सिडाइज कर देते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी तो बहुत कॉमन है, अगर आप दूसरे मुल्क को बेचोगे एक चीज़, आपको कह रहे हो भाई मैं कैसे जाके इंटरनेशनल ट्रेड में खड़ा हूँ, मेरी एक कमीज़ 500 रुपये की बनती है, चाइना में एक कमीज़ 300 की बनती है, हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप बाहर बेचो, 200 हमसे ले लेना। तो ये एक्सपोर्ट सब्सिडी भी है, चाइना ये बड़ा गेम करता है, बिलो कॉस्ट बेचने को अलाउ करता है, ये बात समझ रहे हैं आप, बिलो कॉस्ट बेचने को अलाउ करता है चाइना। इसका क्या मतलब हुआ, 300 की बनाओ 200 की बेचो, कॉस्ट प्रॉफिट सब हमसे ले लो, इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट बनेगी आपकी, दुनिया में दूसरे कारोबार बिजनेस से आउट हो जाएंगे, चंगेजी स्टाइल है ना, तहस नहस कर दो सामने वाले को, एग्जिस्टेंस खत्म कर दो, उसके बाद आप मोनोपोलाइज करो, फिर आप ही आप होगे खाली। तो यूं सब्सिडाइज करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करना है तो सब्सिडी भी अगेन टाइम बेस्ड होनी चाहिए, इतने वक्त के लिए मिलेगी, अपने आप को बेहतर कर लो फिर हम हटा देंगे, क्योंकि सब्सिडी इज एट अ कॉस्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर्स। फिर एक तरीका दुनिया में बड़े बड़े मुल्क करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं भाई हम आपसे ले लेंगे, ये बड़े मुल्क हमारे साथ बहुत करते हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, कम से कम ये स्टैंडर्ड तो मीट कीजिए, आपके चावल में ये स्टैंडर्ड सही नहीं है। अभी रशिया ने हमें वार्न कर दिया है कि अब अगर दोबारा ऐसी कोई चीज़ आई तो फिर हम आपसे चावल लेना बंद कर देंगे, हमारे चावल में कोई जरासीम जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टैंडर्ड अगर हम मीट नहीं कर रहे होते तो अब उन्होंने ना टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, ना कोटा लगाया, ना एम्बार्गो लगाया, उन्होंने कहा भाई आप स्टैंडर्ड मीट कर लो तो आ जाओ। तो ये भी एक तरीका है प्रोटेक्शनिज्म का, अच्छा है या बुरा है बाहर, ये भी एक रास्ता है, ऐसे भी आप आने वाले को रोक सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट मैं आपको समझाता हूँ, इसके अगेंस्ट एक रास्ता है कि ट्रेड फ्री हो जाए। फ्री ट्रेड में नुकसान भी हो सकता है, मतलब एक एक रिस्की गेम है, आप कुछ बनाते नहीं हो मैं सब कुछ बनाता हूँ। जैसे चाइना से हम फ्री ट्रेड कर लें, कर ही लिया हमने, उसका क्या नतीजा निकला, कपड़ा कौन सा मिलता है हमारे मुल्क में, चाइनीज, सनग्लासेस कहाँ के मिलते हैं, चाइनीज, मतलब मैं हाथ लगाता जाता हूँ चीज़ को अपने इर्द गिर्द, आप बताते जाइएगा कहाँ से आई होगी, ठीक है ये कहाँ से आया होगा, चश्मा चाइना से, इसके ग्लासेस कहाँ से आए होंगे,
चाइना से। इसकी कोटिंग किसने की होगी? चाइना से आई मशीन में। ये कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ चाइना से आ रहे हैं। चने कपड़े में हम ज़्यादा, टेलीफोन रखा है मेरे सामने, कहाँ से आया होगा? चाइना से। उठा के देख लें, खुल के देख लें, यहाँ तक कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का भी फ़ोन है, कहाँ से आया होगा? चाइना से। माउस कहाँ से बना है? चाइना से। माउस पैड कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से। स्टेपलर कहाँ से आए? चाइना से। मार्कर कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। हर चीज़ ही जिसको आप देख रहे हैं ना, वो चप्पल तक चाइना से आ रही है ना। चप्पल भी हम नहीं बना सकते अच्छी, चाइना से आ रही है। घड़ी चाइना से आ रही है। पंखा, हाँ, कैमरा चाइना से आ रहे हैं। यस, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थोड़ी बेहतर बना लेते हो तो आप वो लोकल सर्वाइव कर पा रहे हो। पंखे हम अच्छे बनाते हैं, पंखे हमारे भी बचे हुए हैं कुछ कुछ, कपड़े हम बना लेते हैं, चलो कुछ कपड़े। लेकिन कपड़े भी आप मार्केट में जाओ तो आपको चाइना का इंपोर्टेड कपड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्री ट्रेड में हर वक्त फायदा नहीं होने वाला और हर एक से फायदा नहीं होने वाला, लेकिन पूरी दुनिया इस बात की तरफ पुश कर रही है कि ऐसा ऐसा फ्री ट्रेड की तरफ जाया जाए। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब तो ये तो तय हो गया ना, एक दुनिया कैपिटलिज्म की थी, एक दुनिया सोशलिज्म की थी, उनमें लड़ाई हुई, सोशलिज्म हार गया, हार चुका है सोशलिज्म, अब हार चुका है। तो इसलिए अब लड़ाई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की नहीं रही, अब नियो कैपिटलिज्म जो है ना वो सामने है, और सोशलिज्म की भी एक नई किस्म है जो चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसका मुकाबला है। अब सोशलिज्म, सोशलिस्ट प्योर सोशलिज्म ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, वो खुद नहीं रहे पूरे पूरे सोशलिस्ट। तो बहरहाल बता मैं ये रहा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया है, पूरी दुनिया की यूनाइटेड नेशंस में मिलकर लोग बैठे कि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे। उसके अंदर कुछ बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं और कुछ ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी होते हैं। मल्टीलेटरल या बायलेटरल एग्रीमेंट का मतलब है दो तीन मुल्क मिलकर आपस में तय कर लेंगे यार हम फ्री ट्रेड कर लेते हैं, बाकी को छोड़ो। और ये वो मुल्क होते हैं जिनका आपस में फ्री ट्रेड करने में एडवांटेज होता है। तुम हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, हम तुमसे गंदम ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी गंदम महंगी ले लेंगे, थोड़ी तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती दे देंगे, तो थोड़ा कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का यूरोप के साथ फ्री ट्रेड, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ चार पांच बड़े मुल्कों ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था आपस में। फिर जब ट्रंप आया था उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। बहुत बड़ा शॉक था ये दुनिया के लिए, ये भी हो सकता है। अमेरिका में बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा ट्रंप के आने के बाद हुई, पता चला कि कोई कानून लिखा हुआ नहीं था, सबका सब जो है वो एक वो है ना कि भाई हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा अंदाज ऐसा है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कर सकता होगा, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, नहीं लिखा हुआ तो करके दिखाएंगे। तो ट्रंप ने आके काफ़ी इन लोगों की हिलाई चीज़ें ना, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिए थे। तो काफ़ी शौक था कनाडा को, खासतौर बहुत बड़ा शौक था, तो बॉर्डर पे बैठा हुआ, तो काफ़ी चीज़ें उसकी इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से सर्वाइव कर रही थी। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक और काम ये भी किया कि इन्होंने स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज को मुख्तलिफ चीज़ों के राइट्स दे दिए। अब इस पर भी लड़ाई हुई बाकायदा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई चीज़ें, ट्रेड कोर्ट में गई चीज़ें। चावल, बासमती चावल किसका है, कौन बेचेगा, जिस जिसको जो चीज़ जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको स्पेशलाइज करने का राइट दे दिया गया। आम किसका स्पेशलाइज करने का राइट है, चौसा आम कौन बनाएगा, कौन पूरी दुनिया को बेचेगा। तो मुख्तलिफ चीज़ों के हमारे पास राइट्स भी हैं, कुछ चीज़ों के नहीं भी हैं। इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि पूरी एक ही लैंड थी, दोनों ही में बनती थी चीज़ें, तो कैसे साबित होगा कि हम बेचेंगे कि वो बेचेंगे। देखा जाए तो हर चीज़ ही वो ले जाएंगे क्योंकि पहले इंडिया था, बाद में पाकिस्तान बना, फिर वो ज्योग्राफिकल रीजन से उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की कि जो इस समय पहले बनता था वो ये वाले बनाएंगे, जो उस समय पहले बनता था। तो बहरहाल अभी राइस पे काफ़ी एक हमारा एक केस हम जीते हैं, बासमती राइस पे। बहरहाल तो उस पर भी उन्होंने फिर क्या किया कि नाम और क्लासिफिकेशन अलग अलग कर दी कि चावल वो वाला इर्री 40 नंबर का चावल वो ये बेचेगा, और जो है वो फलाने नंबर का 11 के हम बेचेंगे। तो इस तरह का मामला हुआ। बहरहाल फ्री ट्रेड के, फ्री ट्रेड की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि या तो पूरी दुनिया ही आपस में, या कम से कम कुछ मुल्क आपस में ऐसे तजारत करें कि एक दूसरे पर टैक्स, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी ना लगाएं। यूरोपियन यूनियन के नाम से एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो सिर्फ फ्री ट्रेड नहीं, फ्री ट्रेड से एक लेवल आगे की चली गई थी। उन्होंने कहा हम मिलके मूव, हमारे लोग एक दूसरे के मुल्क में बगैर रुकावट जाएंगे। ओके, तो एक उन्होंने यूनिवर्सल सिटीजनशिप बना दी।
हमारे मुल्क में एक दूसरे के साथ तिजारत करने में कोई पाबंदी नहीं होगी, यूनिवर्सल सिटीजनशिप बना दी, यूनिवर्सल ट्रेड बना दी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क सारे मुल्कों में करेंसी भी एक ही चलेगी, सेंट्रल बैंकिंग भी सेंट्रलाइज कर दी, जिससे कि बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन गया था पूरी दुनिया में। अभी लेटली जो है वो फिर यूके उससे बाहर निकल गया, कि उन्होंने कहा कि हमारा इस में शामिल होने से दूसरे मुल्कों का ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमारा कम फायदा हो रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है, तो उससे बाहर निकल गया था। ठीक है, तो यूके निकल गया था। इसको ब्रेक्सिट, बड़ा मशहूर एक इवेंट हुआ था ब्रेक्सिट के नाम से, जिसमें कि ब्रिटेन वॉज एग्जिटिंग फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो पूरी तरह से अभी भी नहीं निकला, अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, और बहुत से लोग अब भी हामी हैं कि वापस शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सेल्स एक एक कंट्री, एक एक इकोनॉमी, एक एक कंट्री की पूरी दुनिया में फैल रही है। फिर मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो उभर रहे हैं, अब वो ज़्यादा ट्रेड करना शुरू हो गए हैं। तो जो पहले प्रोटेक्शन वो उसके फ्री ट्रेड के नारे लगाते थे, अब वो खुद प्रोटेक्शनिज्म के नारे लगाना शुरू हो गए। जैसे पूरी दुनिया में अमरीका बेचता था, जर्मनी बेचता था, जापान बेचता था, ये कहते थे फ्री करो ट्रेड को, फ्री करो। अब जब ट्रेड फ्री हुई तो चाइना ने बेचना शुरू किया, इंडिया ने बेचना शुरू किया। अब ये लोग फंस गए कि इनके अपने मुल्क में भरे हुए चाइना के गुड़, अभी वापस से बैन कर रहे हैं। अब बैन करने का इनके पास जो तरीका है वो क्या है, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू। वो चाइना से जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो चाइना से राउटर आते हैं, उनके अंदर स्पाइंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए हम उनको बैन करेंगे, वरना नहीं बैन करते। चलो भाई, तो कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ, हुआवे को उन्होंने ठीक ठाक डैमेज किया था, आपको याद है एक ज़माने में हुआवे के फ़ोन कितने होते थे हमारे यहाँ लोकल मार्केट में। ये वीवो ओप्पो तो नाम सुना ही नहीं था लोगों ने, हुआवे ही हुआवे था। हुआवे के साथ एक सिस्टर ब्रांच ऑनर के नाम से थी, हुआवे के ही राउटर, हुआवे के ही फ़ोन, हुआवे का ही वो डोंगल वो नहीं थी, 4G के नाम से, 4G के नाम से एक आती थी, हुआवे की हर चीज़ हुआवे की, पूरी दुनिया में हो गया था ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये हुआवे तो हम नहीं चला सकते, इसमें ये है वो है। तो अब हुआवे के फ़ोन्स को गूगल ने एंड्रॉयड देना बंद कर दिया, एंड्रॉयड की सर्विसेज, तो फिर वो फ़ोन कैसे चलेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआवे से अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना बंद कर दी, यूरोप को भी मना कर दिया, आप भी नहीं करोगे, सारे राउटर्स राउटर्स का जो इक्विपमेंट थी वो तो ठीक ठाक उन्होंने। तो ये एक तरह से पहले ये खुद फ्री ट्रेड के प्रोपोनेंट थे, लेकिन अब ये खुद जो है वो एम्बार्गो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ग्लोबल ट्रेड पैटर्न इस तरह से चेंज हो गए। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूरी दुनिया में बिकती हैं वो कौन सी बिकती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिकते हैं। सबसे कम जो बिकते हैं वो एग्रीकल्चरल गुड्स बिकते हैं, लेकिन अब ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और मुल्कों ने जब स्पेशलाइज कर लिया बहुत ज़्यादा सर्विसेज में और दूसरी चीज़ों में, तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ी है दुनिया में। पहले हर कोई गंदम उगाता था, आपकी गंदम बहुत उगती थी लेकिन कोई खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब हर कोई गंदम नहीं उगा रहा तो थोड़ी सी आपकी वैल्यू बेहतर हो गई। पहले हर किसी के यहाँ जानवर होते थे, पलते थे, गोश्त खाते थे सब, अब हर कोई जानवर नहीं पाल रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग में लग गए, आपके आपके जानवरों के गोश्त की कीमत बढ़ गई है, बेहतर हो गई है। तो यूँ कुछ थोड़ा सा फेवर हुआ है आपको भी, जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं उनको भी फेवर हुआ है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा ट्रेड जो दुनिया में होती है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की होती है, उसके बाद सर्विसेज की होती है, उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की होती है। तो अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड को, फ्री ट्रेड को प्रमोट करोगे तो वही सारे फायदे होंगे जो फ्री ट्रेड के या स्पेशलाइजेशन के फायदे थे। यानी अगर इंटरनेशनल फ्री ट्रेड प्रमोट हो गई तो हर मुल्क स्पेशलाइज कर सकेगा। ठीक है, कंज्यूमर की रीच बढ़ जाएगी। यार मुझे टेबल टेनिस के रैकेट चाहिए, आपको भी चाहिए था, पाकिस्तान में बनता ही नहीं है, ना रैकेट बनता है ना पाकिस्तान में उसका रबर बनता है, क्या करें। अगर फ्री ट्रेड हो गई तो आप जहां से चाहो क्लिक करके सामान मंगाओ, तो आपकी कंज्यूमर की रीच बढ़ जाएगी फ्री ट्रेड की वजह से। फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चीजें सस्ती होंगी। कंपटीशन और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ट्रेड रिलेशनशिप्स अक्रॉस द कंट्रीज बेहतर हो जाएंगे। वही वाली सारी बातें जो स्पेशलाइजेशन से और फ्री ट्रेड से या ग्लोबलाइजेशन से निकली थी, कि फर्म्स जो हैं वो यूटिलाइज करेंगी
एफिशिएंट रिसोर्सेज या बेटर रिसोर्सेज। जैसे बात हुई थी कि भाई वहाँ का लेबर सस्ता है वहाँ से बनवा लो, वहाँ का की लैंड सस्ती है वहाँ पे प्रोड्यूस करवा लो, और कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप में बात आएगी, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीस बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। लेकिन टोटल फ्री ट्रेड कर देने से हम जैसे छोटे मुल्कों को कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है? ट्रेड फ्री है, उनकी गाड़ियाँ बहुत सस्ती आ रही हैं, हमारी गंदम बहुत सस्ती जा रही है, हम लाखों टन गंदम बेच के थोड़ी सी गाड़ियाँ खरीद लेंगे और फिर खाली बैठे होंगे, अब क्या करें। तो फ्री ट्रेड अगर बिल्कुल ओपन हो गई तो कुछ मुल्कों का नुकसान ज़्यादा है। क्या लो या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर ओवररन बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, फिर जो हमने बात की थी रिसोर्स डिप्लीशन होगी इंटरनेशनल लेवल पे, रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगी। क्या बात हुई थी रिसोर्स डिप्लीशन की? सभा रिसोर्स डिप्लीशन का क्या मतलब था? जो जिस चीज में स्पेशलाइज करेगा फिर उसके रिसोर्स उस चीज में आहिस्ता आहिस्ता। फिर वर्क फोर्स एक्सप्लॉइट होगी, रिच और पुअर कंट्रीज का गैप बढ़ जाएगा। क्योंकि ये मेन फीचर है कैपिटलिज्म का कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो और अमीर हो जाता है, जिसका पैसा कम होता है वो गरीब हो जाता है। तो ये जो फ्री ट्रेड है ना, ये कैपिटलिज्म की ही ग्रैंडचाइल्ड है। तो ऑटोमेटिकली जब फ्री ट्रेड अलाउ होगी, जैसे कि आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमी में फ्री मार्केट इकोनॉमी पड़ी थी, उसी तरह से फ्री ट्रेड अलाउ होगी तो माइक्रो लेवल पे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ठीक है जी। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इन्हीं तमाम सूरत हाल को देखते हुए कुछ फ्री ट्रेड को हम अलाउ करते हैं, कुछ हम प्रोटेक्शनिज्म भी कर रहे हैं मिला जुला। तो प्रोटेक्शनिज्म, जो प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में बात करते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं, बस वो पॉइंट्स रिपीटेशन है बात की, सारी बातें हो चुकी हैं, सिर्फ मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। वो कहते हैं जो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्री अभी अभी नई, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सनसेट इंडस्ट्री क्या होती है? सर ये दुनिया भर में ऑलमोस्ट इसका ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा कल्चर है, जैसे जी हैंडीक्राफ्ट है हमारे, वो हाथ से कोई क्राफ्ट बनाते हैं, वो हमारे यहाँ की बड़ा खत्म हो जाएगी अगर हमने इंटरनेशनल इस मामले में। या आपने कहा कुछ इंडस्ट्री है वो स्ट्रैटेजिक है,